आज मैं आप सभी को एक छोटा सा सफर सुनाना चाहता हूँ जिसमें आप सभी को कहीं ना कहीं जाकर अपना बनाना चाहता हूँ। अपना इसलिए क्योंकि सफर शुरू होता है सिंगल होने से ब्रेकअप तक का, तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी पॉइंट पर तो अभी हो गई। तो शुरू होता है सिंगल लोगों से जिनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। तो अक्सर देखा है कि जब वो कहीं पर जाते हैं तो अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं कि फ़ोन में इंटरनेट सर्फ कर लिया या किसी ना किसी को देख लिया। तो उस पर लिखा था कि जाने अनजाने लोग मिले, जाने अनजाने लोग मिले, कभी इस महफिल तो कभी उस महफिल कोई और मिले, मगर मिला ना कोई अपना, मगर मिला ना कोई अपना। क्या क्या हमने सोचा था बचपन में, जवानी में बन के रह गया सपना, जवानी में बन के रह गया सपना। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हालत इससे भी ज़्यादा बुरी होती है कि उनकी कोई फीमेल दोस्त तक नहीं होती। तो उस पर लिखा था कि कोई होता जिसे हम भी अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूरी होता, लेकिन काश कोई हमारा भी अपना होता। फिर आते हैं वो लोग जिनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है। तो उस पर लिखा था कि जब व्हाट्सएप चैट पर हर्ट इमोजी सेंड होने लगे, तुम्हारा और उसका लास्ट सीन सेम टाइम होने लगे, मिलने पर आँखों ही आँखों में इकरार होने लगे, अगर और फिर बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे। और फिर जब कोई लड़का या लड़की कन्फेस करती है तो उसकी कुछ लाइंस पढ़ना चाहूँगा कि ना पूछो मेरा दिल कहाँ खो गया, तुझे देखते ही तेरा हो गया, तेरी आँखों में मैं यूँ खो गया, तेरे ख्वाबों में मैं यूँ रह गया, यादों के मैके गुलाबों में तू वो सेमी नज़र जब थी हमारी कम से नुबर, जब रसवाइयाँ शहनाइयाँ पुरवाइयाँ सब हो रहा एक साथ था, क्या कह दूँ मुझे भी हो रहा वही प्यार था। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार का सफ़र ऐसा होता है कि कुछ टाइम में, कुछ लोगों का चंद महीनों में, कुछ का सालों में बीत ही जाता है। तो उस पर लिखा था कि तुम क्या जानो क्या चाहा था और क्या लेकर आए हम, टूटे सपने घायल नगमे सब पीछे छोड़ आए हम, इतना कुछ है पाया हमने कहें तो कहा ना जाए, कैसे कहे तुमको प्यार ने हमको क्या क्या जीवन में खेल दिखाए। और फिर ये होता है कि जब इंसान इमोशनली हर्ट हो जाता है ब्रेकअप के बाद, कुछ समय बीत जाता है, तो इंसान को लगता है कि मुझे आगे लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन कोई उसे मिल नहीं रहा होता। मिलना इन द सेंस कि आपको वैसा इंसान नहीं मिलता जैसा कोई इंसान पहले होता है। कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है इंसान। तो उस पर लिखा था कि अपना वही हाल है, खड़ा हूँ तेरी राह में, ना होश है ना ख्याल है। और ये आगे की लाइन्स पढ़ता हूँ कि बागों को तो पतझड़ लूटे, बागों को तो पतझड़ लूटे, लूटा हमें बहार ने, बागों को तो पतझड़ लूटे, लूटा हमें बहार ने, दुनिया मरती मौत से लेकिन मारा हमको प्यार ने। फिर जब इंसान धीरे धीरे मूव ऑन करने लग जाता है तो सोचता है कि नहीं, अब ऐसा करते हैं कि अब किसी से कोई रिलेशन ही नहीं रखते, लाइक दोस्ती भी नहीं करते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी चीज़ें दोस्ती से ही स्टार्ट होती है। तो हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, अब हम किसी से कनेक्शन ही नहीं रखेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उसी पर लिखा था कि हम ये सोचते हैं कि ज़िंदगी ये काफ़ी हसीन ख्वाब सही, लाइक जब रिलेशन में होते हैं तो काफ़ी हसीन ख्वाब लग रहे होते हैं कि ज़िंदगी के काफ़ी हसीन ख्वाब सही, हर तरफ मुस्कुराती कलियाँ सही, जिस चमन से मेरे पग में कांटे चुभे, लाइक जो ब्रेकअप हुआ उसकी बात करें कि जिस चमन से मेरे पग में कांटे चुभे, अब वो फूल मुझे चुनना नहीं, अब वो फूल मुझे चुनना नहीं। फिर ऐसा सोचते हैं कि अब किसी को डेट नहीं करना, किसी के लिए वेट नहीं करना, अपना अच्छे से खाना है पीना और चैन की नींद सोना है, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये आखिरी लाइन्स पढ़ता हूँ कि सबके लिए, कि कभी इश्क पर जोर मेरा या आपका चलता नहीं, ये मौसम है कुदरत का जो किसी के जाने या आने से बदलता नहीं। और आखिरी लाइन्स ये उन सिंगल लोगों के लिए जिनका शायद ब्रेकअप हो चुका है या जो कभी रिलेशन में नहीं आए, कि खुमारी में इश्क फिर से बहकेगा, खुमारी में इश्क फिर से बहकेगा और ये दिल तुम्हारा फिर से महकेगा। शुक्रिया।